वेलकम स्टूडेंट्स, माय सेल्फ रितु शर्मा फ्रॉम श्री जीके जैन स्कूल्स। आज हम क्लास 8 का लेसन पढ़ेंगे मूवमेंट यानी कि गति या फिर चलन। इसका क्या अर्थ होता है? मूवमेंट का अर्थ होता है द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू चेंज देयर पोजिशन। मतलब कोई भी जीव या जंतु की क्या हो, पोजीशन में यानी कि उसकी स्थिति में परिवर्तन हो, जैसे कि आपका चलना, आपका बैठना, आपका मतलब गति करना, गति से रिलेटेड है। मूवमेंट का क्या मतलब होता है? आपका शरीर कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है? गति कर रहा है। गति करने के लिए आपको क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब क्या चीज महत्वपूर्ण होती है, क्या चीज आपके शरीर को मदद करती है गति करने के लिए? तो उसके लिए हमारे शरीर को सबसे मेन इंपॉर्टेंट मसल्स यानी कि पेशियों की मदद से क्या होता है, हमारे शरीर में क्या होती है, गति यानी कि मूवमेंट होता है। मेन इंपॉर्टेंट कौन है मूवमेंट के लिए? पेशियां। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बोन्स। बोन्स क्या होती है? बोन्स जो है वो हमारे शरीर को क्या करती है, स्टिफ रखती है, मजबूती प्रदान करती है, और क्या करती है, शरीर को बैलेंस रखती है। तो ये सारी चीजें बोन्स के कार्य होते हैं। अब बोन्स की अगर बात की जाए तो हमारे शरीर में कितनी बोन्स होती है? 206। ठीक है, और मसल्स कितनी होती है हमारे शरीर के अंदर? 639। ठीक है, ये तो हो गया जनरल इंट्रोडक्शन कि मसल्स क्या होती हैं, बोन्स क्या होती हैं, कितनी होती हैं हमारे शरीर के अंदर, मसल्स मूवमेंट में हेल्प करती हैं, बोन्स कितनी होती है शरीर में। ये तो एकदम मैंने आपको बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम यानी कि ढांचा, ये किससे बना होता है? हड्डियों से बना होता है। किससे बना होता है स्केलेटल सिस्टम हमारा? मेनली बोन्स से बना होता है। किससे बना है? बोन्स से। ये हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है? ढांचा प्रदान करता है। ठीक है, सेकेंड थिंग, ये जो बोन्स होती है, ये किससे बनी होती है? ये बनी होती है कैल्शियम फॉस्फेट, CaCl3PO4। ये क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डियां किससे बनी होती हैं? कैल्शियम फॉस्फेट से। क्लियर, यानी कि हड्डियों के निर्माण में किस चीज की आवश्यकता होती है? कैल्शियम और फॉस्फोरस, एक विटामिन की आवश्यकता होती है हड्डियों के निर्माण के अंदर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज विटामिन डी। विटामिन डी हड्डियों के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है, विटामिन डी अगर इसकी कमी हो जाएगी शरीर के अंदर, विटामिन डी की कमी हो जाएगी, तो एडल्ट में कौन सा रोग होगा? ऑस्टियोमलेशिया। और बच्चों में कौन सा रोग होगा? रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाएगा? रिकेट्स। और एडल्ट में कौन सा रोग हो जाएगा? रोग होगा ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, अब देखिए कैल्शियम और एंड फॉस्फोरस, अगर शरीर में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की कमी हो जाएगी तो बच्चों में कौन सा रोग होगा? रिकेट्स। और बड़ों में कौन सा रोग हो जाएगा? ऑस्टियोपोरोसिस। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे समझ में? स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? बोन्स से बना होता है। बोन्स किससे बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है। कैल्शियम फॉस्फोरस और एक विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, वो कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी।
अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी बच्चों में तो कौन सा रोग होगा? रिकेट्स। एडल्ट्स में विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा? ऑस्टियोमलेशिया। कैल्शियम एंड फास्फोरस की बच्चों में कमी होगी तो क्या कौन सा रोग होगा? रिकेट्स। और अगर एडल्ट्स में कैल्शियम एंड फास्फोरस की कमी होगी तो कौन सा रोग हो जाएगा? ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये तो हो गया हमारा थोड़ा बहुत बेसिक, मैंने आपको बताया स्केलेटल सिस्टम के बारे में। शरीर के अंदर जो सबसे बड़ी हड्डी होती है उसका क्या नाम होता है? लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? फीमर। कौन सी बोन है? फीमर। क्लियर। अभी स्मॉलेस्ट बोन कौन है शरीर की? फीमर। ठीक है स्टूडेंट्स, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? फीमर। स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? स्टैपीज। सॉरी फीमर नहीं है, स्टैपीज। स्टैपीज ये कहां पे पाई जाती है? सबसे छोटी हड्डी स्टैपीज किधर पाई जाती है? कान में पाई जाती है। एक बार के लिए आप ये देखिए। अब मैं आपको मसल्स के बारे में पढ़ाऊंगी। मसल्स जो होती हैं हमारे शरीर के अंदर कितनी पाई जाती हैं? 639 पाई जाती हैं। और मसल्स के कारण हमारे शरीर में क्या होता है? मूवमेंट होता है। ठीक है, मसल्स जो है, पेशियां जो है, हमेशा कैसे कार्य करती हैं? पेयरिंग में कार्य करती हैं। दो मसल्स मिलकर के कार्य करती हैं। दो मसल्स मिलकर के क्या करती हैं? कार्य करती हैं। अब देखिए, जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो दूसरी मसल क्या होगी? उस टाइम पे रिलैक्स होगी। ठीक है, तो जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसमें क्या क्या होता है? वो क्या हो जाएगी? एक तो स्टिफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी। और क्या हो जाएगी? थिक हो जाएगी। ठीक है, मसल्स हमेशा कैसे कार्य करती है? एक तो मूवमेंट में हेल्प करती है, दूसरी कितनी इनकी संख्या होती है? 639 हमारे शरीर में। मसल्स हमेशा कैसे कार्य करती है? दो मसल्स मिलकर के कार्य करती है। एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो दूसरी क्या होती है? रिलैक्स होती है। तो जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो वो कैसी हो जाती है? स्टिफ हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, थिक हो जाएगी। ठीक है, और जो दूसरी मसल क्या होगी? रिलैक्स हो जाएगी। और वो कैसी हो जाएगी? लॉन्ग हो जाएगी, थिन हो जाएगी। और कैसी हो जाएगी? लूज हो जाएगी, नॉर्मल रहेगी। ठीक है, अब ये जो पेशियां हैं, मसल्स हैं, वो कितने प्रकार की होती है? ये तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? स्मूथ मसल, सेकेंड वन इज कार्डियक मसल, थर्ड वन इज स्केलेटल मसल। ठीक है, मसल कितने प्रकार की हैं? तीन प्रकार की, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल एंड लास्ट वन इज स्केलेटल मसल। स्मूथ मसल्स जो है वो कहाँ पाई जाती हैं? इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती है, जैसे कि हमारी किडनी हो गई। अंदर के जो अंग हैं उनमें कौन सी मसल्स पाई जाती है? स्मूथ मसल्स पाई जाती है। और ये क्या करती है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करती है, यानी क्रमाकुंचन करती है, यानी कि संकुचित और बढ़ती रहती है। ठीक है, स्मूथ मसल्स कहां पाई जा रही है? आंतरिक अंगों में, इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है क्लियर। कार्डियक मसल्स कहां पाई जाती है? हृदय। कार्डियक मसल्स कहां पाई जाती है? हृदय में, ताकि हृदय जो है अपना कार्य आराम से कर सके। स्केलेटल मसल्स हमारे पूरे शरीर में, हड्डियों में पाई जाती हैं, पूरे शरीर में पाई जाती हैं। और इस पर क्या है? हम लोगों का कंट्रोल होता है। इन मसल्स पे क्या होता है? हमारा खुद का कंट्रोल होता है।
परंतु स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स पे हमारा हमारा खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये स्वयं अपना कार्य अपने आप करती हैं। स्केलेटन मसल्स जो है उस पे हम लोगों का कंट्रोल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको टेंडन्स के बारे में बताती हूँ, टेंडन्स क्या होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टेंडन्स। टेंडन्स ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था थोड़ी देर पहले कि सबसे बड़ी बोन जो है हमारे शरीर की वो कौन सी है, थाई बोन यानी कि फीमर। तो ये मान लीजिए फीमर है, ठीक है, और एक और कोई हड्डी है यहां पे, ठीक है। ये जो एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी है उसको क्या बोलते हैं, टेंडन। सॉरी, ये देखिए, ये एक हड्डी है, ये कहां से जुड़ी है, एक मसल से जुड़ी है। किससे जुड़ी है, एक मसल से जुड़ी हुई है, राइट। तो ये जो जगह है इसको क्या बोलेंगे, टेंडन। एक हड्डी, हड्डी जो मसल, हड्डी और मसल को जोड़ने का कार्य कौन करता है, टेंडन। जो तंतु पाए जाते हैं एक मसल और हड्डी को जोड़ने में, जो बीच में जो तंतु पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, टेंडन्स। टेंडन किसको जोड़ती है, बोन को, बोन एंड मसल। बोन और मसल को जोड़ने का कार्य कौन करता है, टेंडन। अब देखिए, ये मान लीजिए एक बोन है, ये कोई दूसरी बोन है साइड में, ये बोन है, ये दूसरी बोन है। एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने का कार्य कौन करता है, लिगामेंट। ठीक है, बोन और मसल को जोड़ने का कार्य कौन करता है, टेंडन। एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने का कार्य कौन करता है, लिगामेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए टेंडन क्या होता है, लिगामेंट क्या होता है। नेक्स्ट चीज, जो नेक्स्ट जो एक और टर्म है, कार्टिलेज। मान लीजिए ये हड्डी है, इसके ऊपर क्या है, एक चिकना पदार्थ पाया जाता है। ये क्या है, ये पदार्थ पाया जाता है, ग्रीजी, ग्रीजी सब्सटेंस पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। बोन के ऊपरी सिरे पर एक ग्रीजी सब्सटेंस पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। ठीक है, ये क्या करता है, एक हड्डी, जैसे ये हड्डी है, दूसरी हड्डी, दो तीन हड्डियां, मतलब कितनी भी हड्डियों के बीच में क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, यानी कि घर्षण को क्या करता है, कम करता है। कार्टिलेज क्या है, ग्रीजी सब्सटेंस है जो क्या करता है, घर्षण नहीं होने देता हड्डियों के बीच में, मतलब फ्रिक्शन नहीं हो पाता है। तो ये हो गया कार्टिलेज। कार्टिलेज जैसे कि कान हो गया हमारा, कान में क्या है, ये जो चीज है ये क्या है, कार्टिलेज है। नाक में भी हमारा थोड़ा सा जो पोर्शन है वो क्या है, कार्टिलेज का बना हुआ है। ठीक है, तो देख लीजिए टेंडन क्या होता है, बोन और मसल को जोड़ने वाला कौन कार्य करता है, टेंडन। बोन और एक हड्डी और दूसरी हड्डी को जोड़ने का कार्य कौन करता है, लिगामेंट। कार्टिलेज क्या होता है, ग्रीजी सब्सटेंस होता है जो कहां पाया जाता है, हड्डी के ऊपर पाया जाता है, और ये क्या करता है, घर्षण से मुक्त करता है शरीर। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जॉइंट, जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होते हैं, जोड़। नेक्स्ट टॉपिक इज जॉइंट, जॉइंट्स। जॉइंट्स यानी कि जोड़। एक हड्डी दूसरी हड्डी से किस तरीके से जुड़ती है वो क्या कहलाती है, जुड़ने को क्या कहते हैं, जॉइंट्स कहते हैं। जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है
इमूवेबल यानी कि जो घूम नहीं सकता है, इमूवेबल यानी कि मूव नहीं हो सकता है, एक पार्शियली जो थोड़ा बहुत मूव हो सकता है, पार्शियली मूवेबल। और लास्ट वन इज मूवेबल। इमूवेबल यानी कि स्कल हमारी खोपड़ी, इसमें कौन सा जॉइंट होता है, कौन सा जोड़ पाया जाता है, इमूवेबल यानी कि हमारा जबड़ा को छोड़ करके, जबड़ा जो है जॉ को छोड़ करके, जो स्कल में जो ये पूरा जो हमारा ये स्कल है, ये क्या है, इमूवेबल जॉइंट्स के अंदर आता है। पार्शियली मूवमेंट मूवेबल, इसमें क्या है, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, ठीक है। अब मूवेबल यानी कि जो अच्छे तरीके से घूम सकती है, ऐसा जॉइंट जो अच्छी तरीके से घूम सकता है, ये तीन प्रकार का होता है। मूवेबल जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार के होते हैं, पर हमारे सिलेबस के अंदर तीन है, तो मैं आपको तीन एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट वन इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट के अंदर क्या होता है, ये जो हड्डी है, एक हड्डी दूसरे हड्डी की खांच में घुसी हुई होती है, ये हड्डी दूसरे हड्डी में क्या होती है, कैविटी होती है, खांच होती है, उसमें घुस जाती है, तो इसको, इस जॉइंट को क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। और ये हड्डी क्या होती है, 360 डिग्री एंगल में घूम सकती है, राइट। तो ये कौन, ये वाला जो जॉइंट है कौन सी हड्डियों में पाया जाता है, हिप बोन, हिप्स में पाया जाता है। सेकेंड वन इज शोल्डर। बॉडी सॉकेट कहां पाया जाता है, हिप्स में, और नेक्स्ट वन इज शोल्डर में पाया जाता है। सेकेंड वन इज हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जो होता है, ये जो है एक ही डायरेक्शन में कार्य करती है। जो बोन्स होती है, हिंज जॉइंट्स, जिन बोन्स में पाया जाता है, वो कौन सा जॉइंट होता है, जैसे कि हमारा एल्बो हो गया, हमारे घुटना हो गया, इसमें कौन सा जॉइंट पाया जाता है, हिंज जॉइंट पाया जाता है, जो कि एक ही डायरेक्शन में जो कार्य करता है, आगे की तरफ चल रहे हैं, आगे की तरफ ही चलेगा, ठीक है। तो ये कौन कौन सी जॉइंट, हिंज जॉइंट कहाँ पे पाया जाता है, एक तो पाया जाता है हमारे नीज में, और कहाँ पाया जाता है, एल्बो, ठीक है। पहला हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सेकेंड वन इज हिंज जॉइंट, और लास्ट वन इज पाइवट, पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट जो है, ये कहां पाया जाता है, हमारे गले की हड्डी में पाया जाता है। गले की जो हड्डी होती है वो क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है, इसके चारों तरफ क्या होता है, रिंग होती है। तो ये लेफ्ट में राइट में इस तरीके से गति कर सकता है, मतलब इस कैसे गति हो रही है, देखिए गर्दन है, बीच में सिलेंड्रिकल बोन है, तो इधर इधर ऐसे आगे पीछे एक ही टाइम पे इस तरीके से गति हो रही है। तो इसके अंदर गले की हड्डी में कौन सा जॉइंट पाया जाता है, पाइवट जॉइंट, नेक, नेक में ये पाया जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स जॉइंट देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायग्राम के साथ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, होप सो आपको सबको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।